हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक है। दोस्तों, हमारे सामने ये एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मिक्सर मशीन है। इसको हम आज फुल सर्विसिंग करने वाला है और जो भी पार्ट्स इसका ख़राब है इसको रिप्लेस करेंगे और इसको फुली रिपेयर करेंगे। तो कस्टमर बोल रहा था ये बहुत दिन से पड़ा है जो यूज़ में नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका कंडीशन है, बहुत सारा रस्टी हो गया और ये पूरा ऑयली है। मेरे को ऐसा लग रहा था इसको ये पहले इंजन गैस का प्रॉब्लम था और काफ़ी ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम है शायद। तो ये ऑयल लीकेज ये लाइनर पिस्टन ख़राब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, या रिंग खराब होने से, पिस्टन रिंग खराब होने से ये प्रॉब्लम आता है। तो लीकेज क्यों इतना है और हम देखेंगे। तो पहले इसको हम खुल के वॉश करेंगे अच्छी तरह से। दोस्तों, ऐसा इंजन रिपेयर करने के पहले वॉश करना ज़रूरी है, नहीं तो इस इंजन का लास्टिंग ज़्यादा नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कंडीशन है, तो हम अभी इसको फटाफट वॉश कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम इसको वॉश कर लिया है। अब पहले कैसा कंडीशन था और अब कैसा है, एकदम चमक रहा है। तो वॉश कर लिया अंदर बाहर से, मैं इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अभी हम जो क्या करेंगे, इसको फिटिंग करेंगे अच्छी तरह से। और ये ब्लॉक का कंडीशन देख लीजिए आप, जो लाइनर स्लीव है, ब्लॉक है, ये ख़राब हो गया। मैं बोल रहा था ना लीकेज का प्रॉब्लम है, ये नाखून इसमें फंस रहा है, मतलब ये काफ़ी घिस गया। ये चल सकता था यार, लेकिन मैं इतना, मेरे को ये नहीं लग रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं चला गया। रिंग भी देखिए, पिस्टन भी कितना गैप हो गया। तो इसको मैं कस्टमर को बोल के रिप्लेस करा लिया। नहीं तो इसको खाली रिंगे डाल के, देखिए रिंग भी कितना गैप हो गया, खाली रिंग डाल के भी चल सकता था, लेकिन इस फिर भी इसको रिप्लेस कर दिया। और बाकी सामान मैं वॉश करके यहाँ पर रख दिया और ये नया ब्लॉक सेट भी लाया और इंजन ऑयल इसमें डालेंगे। सर्वो कस्टमर को मैं बोला था कैस्ट्रोल डालने के लिए, लेकिन कस्टमर नहीं मान रहा था। तो कैसे लिया, मुश्किल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं फिटिंग कर लिया, ब्लॉक सेट फिटिंग करके, और जो कवर मवर होता है इसको फिटिंग कर लिया। करने के बाद ऐसा कंडीशन है और अब हम देखते हैं इसको स्टार्ट करके कैसा होता है। दोस्तों देखिए, मशीन एकदम फिनिशिंग आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम इसको वॉश करके स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद साउंड भी काफ़ी अच्छा आया। और देखिए, तो दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही है। और आप लोगों का शायद, अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट कर देना।